तो बचपन के प्यार का इंसिडेंट शुरू तब होता है जब हमारे पास ना ही नेटफ्लिक्स था और ना ही केबल, तो हमें काम चलाना पड़ता था सीडी और डीवीडी से। और जो सीडी पहले हाथ लगी वो थी किंग कॉन्ग, और भाई मूवी देखते दिमाग के सारे तार और फ्यूज उड़ गए। यानी कि लाइफ में पहली बार डायनासोर और एक ऐसा जंगल देखा जहाँ की इंसान को खाने वाले अजीबो गरीब जानवर थे। ऊपर से जब मुझे बाद में सर्च पता चला तो पीटर जैक्सन का आउटस्टैंडिंग सिनेमेटोग्राफी से लेकर और डायरेक्शन, जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी बना रखी है जो कि हमारे सेशन में होगी। तो हमारा ये बचपन के प्यार की सीरीज जो है वो है हमारी आउटस्टैंडिंग और हमारे पुराने नॉस्टैल्जिया को जगाती हुई मूवियाँ जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी 2010 से पहले, और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और इनकी जो सिनेमेटोग्राफी, और किंग कॉन्ग का तो मैं फैन ही हो गया, उसके बाद से किंग कॉन्ग की सारी मूवियाँ मैंने देखी है। हालांकि 80s से पहले वाली मूवी नहीं देख सकता, ब्लैक एंड व्हाइट और बहुत ही फर्जीवाड़ा सी लगती है, उस टाइम के लोगों को वो बहुत पसंद आई होगी। लेकिन अब सबसे ज्यादा जो नंबर वन मुझे किंग कॉन्ग की मूवी लगी वो हमेशा पीटर जैक्सन वाली 2005 वाली। और किंग कॉन्ग के जस्ट बाद है हमारे पास नियो की स्टोरी, यानी कि मैट्रिक्स ट्रायलॉजी। एक ऐसा इंसान जो नॉर्मल जॉब कर रहा था लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो एक कंप्यूटर वाली दुनिया में सिर्फ एक स्लेव है और उसकी बॉडी तो कहीं और ही है, ऐसी स्टोरी। और 1999 के टाइम पे आउटस्टैंडिंग स्टोरी थी, एकदम बिल्कुल दिमाग को फाड़ देने वाली। और उसके बाद से बॉलीवुड देखना ही बंद हो गया क्योंकि हॉलीवुड इतना भयंकर क्रेज चढ़ा कि एक से एक बढ़कर मूवियाँ देखने, और मैट्रिक्स के तीनों ही पार्ट आउटस्टैंडिंग है। और इतनी भयंकर मार्शल आर्ट और इसका जो स्लो मोशन था उसकी तो पूरी ही दुनिया फैन हो गई थी। इतना भयंकर स्लो मोशन और एक्शन इस मूवी का है कि ये आज की मूवियों को भी बीट कर जाती है, यानी कि अपने टाइम से बहुत ही आगे की मूवी बना डाली थी। और इसका फोर्थ पार्ट इस साल रिलीज होगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और इसकी इतनी भयंकर फैन फॉलोइंग थी कि बता ही नहीं सकते। नॉस्टैल्जिया के लिए ये मूवी देखना तो बनता ही है अगर आप भी 2010 से पहले वाले स्टैंडर्ड के हो, और बहुत ही बेहतरीन से भी बेहतरीन इसके एक्शन लगे थे उस टाइम पे। और बचपन के प्यार में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है वो है अपनी स्पाइडरमैन, और वो भी टॉबी मैकग्वायर वाली और जेम्स फ्रैंको वाली, यानी कि वो ओरिजिनल स्पाइडरमैन की बना कैसे था और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या टीनेज ड्रामे चले। वन ऑफ द बेस्ट सैम राइमी मूवी है ये। और जो टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बकवास सी लगी है। और जो ये वाली सीरीज़ है ये अपने आप में एकदम कल्ट क्लासिक है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट विलन है इस मूवी के, ग्रीन गॉब्लिन से लेके डॉक्टर ऑक्टोपस तक, और डॉक्टर ऑक्टोपस से लेके सैंडमैन तक, और सैंडमैन के बाद इन्होंने जो वैनम कैरेक्टर लाया उसका तो दीवाना ही हो गया था। लेकिन ये फ्रेंचाइजी बंद होगी जबकि इसका फोर्थ पार्ट की स्क्रिप्ट इनके पास पड़ी हुई थी, फिर भी बहुत ही बुरा हुआ, और हमारी ये हमेशा से फेवरेट रही। और ये वाला सीन तो सभी का ही फेवरेट है, सैंडमैन बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर लगा था पार्ट 3 में, और ग्रीन गॉब्लिन भी बेस्ट था। स्पाइडरमैन का ये वाला नॉस्टैल्जिक कभी भी भूलने लायक नहीं है। टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन सिर्फ और सिर्फ एवेंजर फ्रेंचाइजी को कंप्लीट करने के चक्कर में देखनी पड़ी, और मेरा पर्सनली फेवरेट पार्ट इसमें थर्ड वाला है जिसमें कि विलन 3 है, न्यू गॉब्लिन साथ ही साथ सैंडमैन और वैनम वाला, और सबसे फाड़ू जो पार्ट है वो थर्ड ही है। और इसकी स्टोरी लाइन से लेके स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, और टॉबी मैकग्वायर अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन है अभी तक के सारे फ्रेंचाइजियों में से। और फिर 90s के किड्स ने जो डायनासोरों के बारे में कहानियाँ सुनी थी वो रियल में देखने को मिली स्क्रीन में, और देखते दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए। और ये चीज़ मैंने देखी थी सबसे पहले स्टार प्लस में आती थी संडे के टाइम पे दिन को 12 बजे, और जब मैंने इसका पहला पार्ट देखा तो भाई अगले संडे के इंतजार में कैसा हफ्ता कटा मैं बता ही नहीं सकता। वो नॉस्टैल्जिया की फीलिंग ही अपने आप में एकदम आउटस्टैंडिंग है। और उसके बाद थर्ड पार्ट ऑल्सो उड़ने वाले ड्रैगन तक दिखा दिए गए, ड्रैगन बोले तो डायनासोर, और ये स्टीवन स्पीलबर्ग की वन ऑफ द बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के साथ है डायनासोर उस जमाने का। जुरासिक वर्ल्ड भी अच्छी है, बुरी नहीं है, आजकल के जमाने में तो जुरासिक वर्ल्ड ही पसंद आएगी, लेकिन उस टाइम पे खुद सोचिए 1999 के टाइम पे हमें डायनासोर देखने को मिल रहा है, और वो भी पूरा चलता फिरता इंसानों को खाता हुआ दो टुकड़ों में बांटने वाले कल्ट क्लासिक, एकदम इतना फाड़ू कि आपको बता ही नहीं सकता कि क्या फीलिंग रही होगी उस जमाने के बच्चों को जब वो देखते थे बड़ी बड़ी स्क्रीनों में ये डायनासोर।
और फिर हमें पता चला कि मम्मी यानी कि इजिप्ट में भी कुछ हलचलें हैं दुनिया में, और इजिप्ट में तो मम्मियों के ताबूत रहते हैं। और ये कहानी फिर दोबारा से हमें स्क्रीन में देखने को मिली हमारी मम्मी पार्ट वन और पार्ट टू में। और जब हमने जॉन यानी कि हमारे ड्वेन जॉनसन को देखा रॉक को स्क्रीन में सेकंड पार्ट में, तो भाई होश ही उड़ गया। मैंने सबसे पहले सेकंड पार्ट ही देखा था, और इसमें इंसानों को खाते हुए कीड़ों से लेकर मम्मी की पूरी फौज जो दुनिया पे राज करने वाली है, और इजिप्ट के वो फाड़ो और लंदन का ब्रिज वाला जो शूट आउट है वन ऑफ द बेस्ट लगा उस जमाने पे। और ये पूरी की पूरी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग जगाता है आज भी, मम्मी की वो वॉर से लेके और अलाहू माना वाले डायलॉग से लेके हमें ये मम्मी की मूवी फ्रेंचाइजी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगी मुझे। और सबसे बेस्ट पार्ट है इसमें सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी देखा मैंने, बोरिंग है चाइना वाला। और जो टॉम क्रूज की मम्मी मूवी आई है वो तो बहुत ही ज़्यादा भाई याद है। और उसके बाद भाई डिज्नी वालों की मूवी हो और शेर हो और नानिया की ये दुनिया, अलमारी खोली और आप पहुंच गए एक अलग ही दुनिया में जहाँ पे एक वाइट विच है और एक है शेर, और फिर हमें ये दुनिया बचानी है। और जब आपने बचा भी ली तो फिर इसका सेकंड पार्ट यानी कि 10 साल बाद की पूरी दुनिया, और बहुत ही बेहतरीन आपको स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर आपको फैंटेसी मूवी मैजिकल मूवी के आप फैन हो तो ये मूवी आपने ज़रूर एक टाइम देखी ही होगी, और उस टाइम की एक कल्ट क्लासिक थी। पता नहीं इसे तीन पार्ट के बाद बंद क्यों कर दिया, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद मूवी थी। उसके बाद नंबर फोर पर आते हैं 90s के सारे लोगों की फेवरेट मूवी टाइटैनिक, और टाइटैनिक के सारे सीन वो विजुअलाइजेशन जो आपको डेली लाइफ में देखने को नहीं मिल सकते। और जेम्स कैमरन ने ये मूवी इतनी भयंकर बनाई कि ये मूवी इतनी कल्ट में हिट हुई कि ये दुनिया की नंबर वन सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी रही कम से कम 10 सालों तक, जब तक कि मार्वल और खुद जेम्स कैमरन की एवेटार मूवी ने ही अपनी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। तो हमारे जैक की जो ये कहानी थी जो फट्टे में बैठ के फट्टी से बच जाता है और फट्टी को बचा के खुद डूब जाता है जो कार्टून चला था बीच में, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के साथ। और फिर से हमारे पास आती है एक अलग ही दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया की कहानी यानी कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मिडल अर्थ की ये कहानी है, सिर्फ और सिर्फ एक रिंग को लेके। जो भी उस रिंग को पहनता है वो उस रिंग के साथ मोहित हो जाता है, और फिर वो रिंग उससे कितने उल्टे काम करवा सकती है, उस रिंग की चाहत दुनिया में क्या क्या कारनामा करा रही है, ये आपको देखने को मिलेगा पीटर जैक्सन के तीन पार्टों के साथ। और अपने टाइम की सबसे भयंकर मूवी स्पेशल इफेक्ट वाइज यानी कि लॉर्ड ऑफ द रिंग का फेलोशिप, टू टावर और रिटर्न ऑफ द किंग। भाई रिटर्न ऑफ द किंग का जो एलिफेंट वाला शॉट था, यही वाला जो अभी स्क्रीन में आ रहा है, वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाटोग्राफी है। और जो ड्रैगन है और जो हमारे पास किंग है और तीसरी आँख, भाई क्या मूवी रही, आप मतलब देखते ही रह जाओगे। लेकिन मूवी की लाइन पूरी डेप्थ के साथ बनाई गई है, 3 घंटे लेकर पूरे के पूरे मजे के साथ। और नंबर टू पे है सबसे फेमस बच्चे का जो डर, घर में अकेला फंस जाना। और घर में अकेला फंसे तो फंसे, फैमिली तो गई टूर पे एक हफ्ते के लिए, लेकिन फंसना ज़्यादा वो नहीं है जब पता चलता है कि चोर भी आने वाले हैं, चोर अब वाट लगा देंगे, तो चोर हमारी वाट लगा दे क्यों ना हम ही उनकी वाट लगा दें। तो होम अलोन की ये फ्रेंचाइजी पहले से लेकर थर्ड पार्ट तक बेस्ट है, और मुझे सबसे बेस्ट इसका तीसरा पार्ट लगा था। हालांकि सबसे ज़्यादा जो हिट वाला पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है अपने आप में, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है ये मूवी, कॉमेडी के पर्पज़ से तो देखने लायक है, आउटस्टैंडिंग यानी कि आप कॉमेडी में डूब जाओगे इस मूवी की। और भाई नंबर वन में मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी, हालांकि मैंने इसमें डिस्कस करे हैं शुरू के चार पार्ट, क्योंकि 90s यानी कि 2000 से लेकर 2010 के बीच में मैंने चार पार्ट ही देखे थे। और पहले पार्ट को देखने के बाद मैं इतना दीवाना हुआ कि मैंने ये DVD डेली स्कूल से आते ही लगा देता था, और कम से कम मैंने भाई 150 पार्ट ये मूवी देखी होगी। इसके बाद सेकेंड पार्ट चैम्बर ऑफ द सीक्रेट, दैन प्रिजनर ऑफ एस्काबैन, और फोर्थ पार्ट ड्रैगन की जो फाइट है, और जो तीन स्कूलों की इसमें इन्होंने दिखाई है प्राइज मनी से लेके फार ऑफ द फार एक्शन यानी कि हैरी पॉटर की ये कहानी जिसके पीछे वोल्डेमॉर्ट पड़ा हुआ है, और फिर हैरी की ज़िंदगी में क्या क्या होता है जब वोल्डेमॉर्ट जिंदा हो जाता है फोर्थ पार्ट। उसके बाद फिफ्थ पार्ट 2000 के बाद आई थी, और ये बहुत ही बेहतरीन लगी भाई, इसकी जो ट्रायोलॉजी ख़त्म होती है वन ऑफ द बेस्ट है।